हम मंडल आयोग के पूर्व की बात, पूर्व क्या घटित हुआ ज्यादा, इसका इस पर उतनी चर्चा नहीं करेंगे। हमारी चर्चा का विषय है मंडल आयोग की रिपोर्ट क्या है और जब रिपोर्ट लागू होती तो उसके बाद क्या होता है, क्या स्थितियां बदलती हैं। जैसा मैंने कहा, राजनीतिक बदलाव भारी। एक तरीके से 1967 में जैसे राजनीतिक भूचाल की बात हुई चुनाव को लेकर, उसी तरह मतदाताओं के, वोटरों के आंकड़ों को लेकर, वोटरों के मतदान को प्रभावित करने को लेकर, ये भी एक राजनीतिक भूचाल की ही घटना थी, भूचाल जैसी ही घटना थी मंडल आयोग की रिपोर्ट का क्रियान्वयन और उसके बाद। यदि हम इसका थोड़ा सा पृष्ठभूमि थोड़ा जानें तो हम जाते हैं संविधान निर्माताओं की ओर। संविधान सभा 1946-47-48, उन्होंने जो कल्पना की थी भारत के समान, भारत में समानता की, भारतीय समाज में समानता की और उस समानता को लाने के लिए पिछड़े वर्गों के उत्थान की, तो उन संविधान निर्माताओं की कल्पना, उसके अनुरूप भारतीय संविधान में समाज के पिछड़े वर्गों के लिए आर्थिक और शैक्षणिक विकास और परंपरागत सामाजिक पिछड़ापन दूर करने के उद्देश्य से कुछ संवैधानिक संरक्षणों का प्रावधान है। दूसरे शब्दों में, संविधान सभा में पिछड़े वर्गों के, अशिक्षित लोगों के शैक्षिक विकास और उनके आर्थिक विकास को लेकर जो चिंताएं जताई गई थीं, उसके निराकरण हेतु हमारे संविधान में कुछ आवश्यक संरक्षण का प्रावधान किया गया है। संरक्षण के प्रावधान से हमारा तात्पर्य है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि इन वर्ग के लोगों को समानता के स्तर में आने में, समाज के अन्य तबके के बराबर आने में सहूलियत हो। यदि हम संविधान के अनुच्छेद 15 की बात करें, अनुच्छेद 15(4), आर्टिकल 15(4), तो उसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि शासन समाज के उन वर्गों की उन्नति के लिए विशेष व्यवस्था करेगा। कौन? शासन। याद रखें, शासन से अपेक्षा है, एक तरीके से शासन को यह आदेश है कि समय समय पर वह विशेष जो वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए कुछ प्रावधान करे। अब वो विशेष वर्ग क्या? जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। विशेष प्रावधान इन विशेष वर्गों के लिए, और विशेष वर्ग के मायने जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए, इसमें जाति का संदर्भ नहीं था। और ये धारा, आर्टिकल या अनुच्छेद 15(4) में है और इसी के तहत आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये जो 15(4) है ये एक्चुअली एक संशोधन है और इस संशोधन के तहत जो पहला संशोधन है, आरक्षण का प्रावधान कर दिया जाता है 1951 में ही। यानी संविधान सभा का संविधान लागू होता है और लागू होते ही संविधान सभा की चिंताओं के मद्देनजर ऐसा कुछ किया जाता है जिसे हम आरक्षण कहते हैं। किनके लिए? जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, जो शैक्षणिक दृष्टि से कमजोर हैं, उनके उत्थान के लिए। दूसरा, संविधान का दूसरा अनुच्छेद 16(4) में शासन को अधिकार है, शासन को अधिकृत किया गया है, संवैधानिक रूप से उसे अधिकृत किया गया है कि वह उन पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में और विभिन्न पदों में आरक्षण कर सके। नौकरियों में आरक्षण और विभिन्न पदों में आरक्षण, जिन्हें उसके अनुसार
सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। यदि सरकार समझती है, यदि शासन समझता है कि कुछ खास तबके के लोगों को, कुछ खास वर्ग के लोगों को नौकरियों में, सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है किसी भी कारण से, तो उसके लिए विशेष प्रावधान करना और ऐसा करते हुए सुनिश्चित करना कि इस तबके के लोगों का भी उत्थान हो, उन्हें नौकरी मिले। आप देखोगे, जैसा कहते हैं ना कि जिसके पास पैसा है उसका पैसा बढ़ते जाता है, और जिसके पास नहीं है या कम है वह निर्धनता की ओर ही बढ़ता जाता है। कम पैसे वाले और कमज़ोर होते जाते हैं, ज़्यादा पैसे अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है। उसी प्रकार, उसी तरह ऐसा देखा गया कि समाज में जो निम्न तबके के लोग हैं, ये बेचारे कितने भी प्रयास किए गए ये निम्न तबके में ही रह आए, क्योंकि चूँकि निम्न तबके में थे माँ पिता, तो बच्चे भी बेचारे उसी माहौल में बढ़े पले, अशिक्षित बने रहे, बेरोजगार बने रहे, गलत कामों में लिप्त हो गए आदि आदि। फिर जब वो बड़े हुए तो उनके परिवार वाले भी आगे वैसे, तो ये एक चेन है, उसे तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे इस चेन को तोड़ा जाए। और ऐसा का अर्थ क्या हुआ? आरक्षण जैसी व्यवस्था करना, उनके लिए कुछ ऐसा आर्टिफिशियल, कुछ ऐसा करना कि वे समाज की मेन स्ट्रीम में थोड़ी ही संख्या में सही, पर आना तो शुरू हो उनका। और इसीलिए आरक्षण का प्रावधान आता है, और उसके लिए सरकार को अधिकृत किया गया था। यदि हम एक और अनुच्छेद 340 की बात करें, यह है अनुच्छेद 340। पहला था 15.4, दूसरा था 16.4, और अब हम अनुच्छेद 340 को देखें। यह अनुच्छेद 340 का संबंध राष्ट्रपति से है। इसमें यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की परिस्थितियों और काम के संबंध में आई हुई कठिनाइयों का पता लगाए, और ऐसा पता लगाने के लिए वो जो भी उचित है वो कर सकता है। ध्यान रखें, यहाँ पे पुनः आर्थिक और सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की कठिनाइयों को आइडेंटिफाई करने के लिए राष्ट्रपति उचित कार्रवाई कर सकता है, और उचित कार्रवाई के मायने हैं कुछ आयोग आदि बना सकता है जो इनकी समस्याओं का अध्ययन करे, निराकरण के सुझाव दे और एक दिशा दे जिससे कि समाज में समानता का विस्तार हो। इस आयोग का काम होगा इन कठिनाइयों को दूर करने के विषय में केंद्र और राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव दे, आवश्यक परामर्श करे, उनके साथ बातचीत करे। अर्थात इसका मूल उद्देश्य, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग का मैंने जिक्र किया, ऐसे ही ये पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने का अधिकार राष्ट्रपति को पहले से था धारा 8 अनुच्छेद 340 के तहत, और इसके तहत वो एक आयोग बना सकते हैं जिसका उद्देश्य होगा राज्य और केंद्र को सलाह देना, सुझाव देना किस दिशा में पिछड़े वर्ग के शिक्षा संबंधी दिक्कत और सामाजिक दिक्कतों के को आइडेंटिफाई करना, कठिनाइयों का पता लगाना और उसका निराकरण करने के लिए सुझाव देना। ये तो हुआ पृष्ठभूमि। मंडल आयोग का अभी तक मैंने जिक्र नहीं किया है। इस पृष्ठभूमि के मद्देनजर अब क्या होता है, थोड़ा अब हम उसको समझें। मंडल आयोग की पृष्ठभूमि का हमने एक भाग भी समझा, क्योंकि मंडल आयोग अचानक स्थापित नहीं होता, और मैंने जैसा कहा कि ये राजनीतिक भूचाल लाने वाली घटना थी, इस आयोग की जो रिपोर्ट थी, तो निश्चित रूप से कई वर्षों से वह प्रक्रिया उसकी पृष्ठभूमि में चल रही थी। तो संक्षिप्त में उन धाराओं को जानने के बाद जिसके तहत राष्ट्रपति को अधिकार है, जिसके तहत समानता की बात की गई है, जिसके तहत
पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए विशेष प्रावधानों का प्रावधान किया गया है। अब हम थोड़ा सा दूसरी बात जानते हैं कि आर्टिकल 340 या अनुच्छेद 340 के तहत जो हमने राष्ट्रपति को अधिकार की बात की, जिसमें वो आयोग की स्थापना कर सकता है शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में विकास के लिए पिछड़े वर्ग के, उस धारा के तहत, उस धारा का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति ने एक समिति बनाई जिसका नेतृत्व कर रहे थे काका कालेलकर। इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए, जिसे हम आयोग कह सकते हैं, और चूंकि वो इसके अध्यक्ष थे तो इसे काका कालेलकर आयोग भी कहा जाने लगा। वैसे तो ये पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में इसे प्रस्तावित किया गया, इसे नामित किया गया, लेकिन चूंकि कालेलकर जी इसके अध्यक्ष थे, हम में से अधिकतर लोग इसे काका कालेलकर आयोग के नाम से जानते हैं। धारा 340 के तहत इसका प्रावधान किया गया। इसका गठन 1953 में होता है। 29 जनवरी 1953 को राष्ट्रपति के द्वारा ये गठित किया जाता है और लगभग 2 वर्ष के बाद या 1.5 वर्ष में इस आयोग की रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की जाती है। 1955 में इस आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। आयोग के बनाने का उद्देश्य मैंने स्पष्ट किया, लेकिन उसको और स्पष्ट कर दूं कि आयोग के बनाने के पीछे उसका जो उद्देश्य था वो था ऐसे मानकों का निर्धारण करना। मानक मैं बताऊंगा क्या है, ऐसे मानकों का निर्धारण करना जिसके आधार पर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान हो सके। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। क्या आधार होगा? मानक यानी आधार। किन आधारों पर हम किनको, किन समुदायों को शैक्षणिक रूप से पिछड़ा माना जाए, सामाजिक रूप से पिछड़ा माने, किस आधार, उसके आधार क्या होंगे, किन मानकों पर ये तय किया जाए कि ये समूह जो है वो पिछड़ा वर्ग में आएगा, ये समूह पिछड़ा वर्ग की पात्रता नहीं रखता। और ये मानक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी, बहुत तकनीकी चीज थी, क्योंकि जिस आधार पे इनको पिछड़ा वर्ग बताया जाएगा और जिस आधार पे दूसरों को पिछड़ा वर्ग होने से वंचित किया जाएगा, उनके बीच में बहुत बड़े टकराव की संभावना थी। और सभी आधार जानना चाहेंगे कि आधार का आधार क्या है, ऑन व्हाट बेसिस हैज दिस पैरामीटर्स बीइंग सेलेक्टेड फॉर डिक्लेयरिंग, फॉर कॉलिंग समबडी एज बैकवर्ड कम्युनिटी, सम कम्युनिटी एज बैकवर्ड कम्युनिटी। तो आप उद्देश्य समझ गए हैं, ऐसे मानकों का निर्धारण करना जिसके आधार पर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान कर उन्हें पिछड़े वर्ग में शामिल करना किया जा सके। दूसरा, इस वर्ग की समस्याओं को पहचानना, क्या कठिनाइयाँ इस वर्ग के पिछड़ेपन को हटाने में, क्या क्या बाधाएं हैं इस वर्ग के पिछड़ा रखने में, ऐसे क्या कारक हैं, उन कारकों को आइडेंटिफाई करना और इसका निस्तारण करना। पिछड़े वर्ग की सूची में आयोग ने, ये तीसरी बात, जाति को प्रमुख आधार बना दिया। किसको? जाति को, यानी जाति के आधार पर उसने बताया कि ये पिछड़े वर्ग हैं क्योंकि इनकी ये जातियां हैं। तो आधार क्या बनाया, मानक क्या बनाया, जाति। यदि हम इसके रिकमेंडेशंस की बात करें, इसके सिफारिश की बात करें, तो इस आयोग ने क्या सिफारिशें दी, थोड़ा उसको देखें। पहला, प्रथम श्रेणी की सेवाओं में 25% आरक्षण, यानी आरक्षण की बात की और वो भी जातिगत आधार पे, और कहा कि जो पहली श्रेणी की नौकरियां हैं तब से ऊंचे स्तर की, उसमें 25% आरक्षण किया जाए इनके लिए। दूसरा, मेडिकल, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा में 70% आरक्षण का प्रावधान इन्होंने कहा। 70% आरक्षण मेडिकल,
वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा में। तीसरी इनकी संस्थिति थी कि दूसरी श्रेणी के सेवाओं में 33.5% आरक्षण, और चौथी तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 40% आरक्षण पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए, और अंतिम था एक नए मंत्रालय की स्थापना जिसका उद्देश्य होगा पिछड़ा वर्ग का कल्याण। आयोग द्वारा पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाए जाने का प्रावधान या बनाए जाने की सिफारिश की जाती है। सरकार ने इस रिपोर्ट का अध्ययन किया लेकिन महसूस किया कि इस आयोग ने सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का या शैक्षणिक पिछड़ेपन का आधार जो जाति बनाया है वो गलत है। जाति समूहों के पिछड़े भाग का पता नहीं लगाया बल्कि जाति को आधार बना दिया फ्लैट। इसलिए काका कालेलकर की रिपोर्ट को रद्द कर दिया गया। जाति समूहों में कुछ लोग आगे भी हैं। यदि हम किसी एक जाति की बात करें जो कहने को तो निम्न श्रेणी में है पर उसमें भी कुछ लोग इतनी पैठ रखते हैं कि समाज में वे प्रभावशील व्यक्तियों में जाने जाते हैं, प्रभावशील जातियों में जाने जाते हैं, तो क्या उन्हें भी आरक्षण की सुविधा बदस्तूर दी जाए? तो दूसरे शब्दों में भारत सरकार ने महसूस किया कि इस आयोग ने सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का आधार जाति को बनाया है लेकिन जाति समूहों में पिछड़े भाग का पता नहीं लगाया, इसलिए ये रिपोर्ट निरस्त हो जाती है और उसके बाद राज्य सरकारों को भारत सरकार ये आदेश देती है कि अपने अपने राज्यों में पिछड़े वर्ग की पहचान करें, सर्वेक्षण कराएं, विस्तृत अध्ययन कराएं और फिर पिछड़े वर्ग में शामिल किए जाने वाले संभावित समुदायों या वर्गों की सूचना केंद्र सरकार को दें। ये कदम काका कालेलकर की रिपोर्ट को निरस्त करने के बाद सरकार द्वारा उठाया जाता है। दूसरी ओर केंद्र सरकार राष्ट्रपति के जरिए स्वयं एक आयोग गठित करती है और यह आयोग कहलाता है मंडल आयोग। तो इस प्रकार अभी तक जो मैंने बताया वह मंडल आयोग की स्थापना की पृष्ठभूमि थी। मंडल आयोग के आने के पूर्व संबंधित विषय में हुई घटनाओं का एक संक्षिप्त विवरण था लेकिन अब सीधा हम बिंदु पर आते हैं और वह है मंडल आयोग। 1 जनवरी 1979 राष्ट्रपति आयोग गठित करते हैं वही धारा 340 के तहत, अनुच्छेद 340 के तहत, और उसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी दी जाती है बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल। क्योंकि बीपी मंडल के नाम बीपी मंडल इस आयोग के अध्यक्ष थे इसीलिए इसे मंडल आयोग कहा जाने लगा, जैसे पूर्व के आयोग को कालेलकर आयोग कहा गया तो इस तरह ये मंडल आयोग। इस मंडल आयोग में कुछ और सदस्य थे जिनके नाम आप ये देख लीजिए, एल आर नायक, दीवान मोहनलाल, न्यायमूर्ति आर एस भोला और चौथा नाम है के सुब्रमण्यम। कुल 5 लोग इस आयोग के सदस्य थे। अब इस आयोग ने क्या सिफारिशें की, क्या प्रस्ताव रखे अपने अध्ययन के बाद, अपनी सिटिंग के बाद? पहला, 27% आरक्षण पिछड़े वर्गों के लिए, 27%। दूसरा, पदोन्नति में भी 27% आरक्षण का प्रावधान। तीसरा, राज्य सरकार की सेवाओं और राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त निजी संस्थाओं में भी आरक्षण का प्रावधान हो। राज्य सरकार की सेवाओं में और राज्य सरकार से जो निजी संस्थाएं अनुदान पाती हैं, ग्रांट मिलता है जिन्हें, वहां भी ये प्रावधान लागू होना चाहिए।
विश्वविद्यालय और कॉलेजों में प्रवेश में भी आरक्षण का प्रावधान मंडल आयोग में होता है, तो ये इसका चौथा बिंदु था। शैक्षणिक संस्थाओं में भी आरक्षण, और पांचवा आयु सीमा में छूट, विभिन्न पदों के लिए विभिन्न जगहों में आयु सीमा में छूट का प्रावधान इस समिति द्वारा किया जाता है, इस आयोग द्वारा किया जाता है। इसके इसकी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ये पांच जो इसके द्वारा प्रस्ताव दिए गए थे उसको लेकर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई, मंडल आयोग की सिफारिशों को लेकर बड़ा कटु प्रतिक्रिया हुई। लेकिन इस प्रतिक्रिया को दरकिनार करते हुए, प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना, तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह 7 अगस्त 1990 को संसद में पिछड़े वर्ग के आरक्षण की घोषणा करते हैं। 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग के लिए, इसकी घोषणा आधिकारिक स्तर पर संसद में अगस्त 1990 को होती है। अक्टूबर 90 को आरक्षण पर स्थगन आदेश जारी किया, लेकिन नवंबर 1992 को, यानी लगभग 1.5 वर्ष लग गए, 2 वर्ष लग गए, सर्वोच्च न्यायालय ने इस स्थगन को रद्द कर दिया, इसको वैध कानून बनाया और कानून बनाने योग्य पाया। इस प्रकार जो कुछ विरोध था, यद्यपि वह बड़ा तीव्र था, वो 2 वर्ष बड़े ही, हम कह सकते हैं भारतीय समाज के लिए बड़ी ही चिंता का विषय थे। जो घटनाएं उस दौरान हुई, इसका आप अध्ययन किसी अन्य जरिए से करें तो आप देखेंगे कि पूरा देश कितना हिल चुका था इन प्रस्तावों के पक्ष में और प्रस्तावों के विपक्ष में। जो लोग थे उनके बीच की तकरार को लेकर भारतीय समाज काफ़ी हिल चुका था। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय अंततः प्रस्तावों के पक्ष में निर्णय देता है तो कानूनी जामा पहनाया जाता है, और इसी के साथ मंडल आयोग की सिफारिश लागू होती है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें कुछ 2 बिंदु जोड़े। उसने इस प्रस्ताव को यथावत, या आयोग की रिपोर्ट को यथावत स्वीकार न करने का संदेश देते हुए ये 2 बातें जोड़ी, ये 2 बिंदु जोड़े। पहला कि पिछड़ी जातियों में जो संपन्न लोग हैं, संपन्न वर्ग है, हर जाति के कई वर्ग हैं, आपको मालूम है हर जातियों में कई जातियां हैं, कई उपजातियां हैं, उपजातियों के अंतर्गत भी बहुत सारी उपजातियां हैं। भारतीय भारत जो है, भारतीय संस्कृति या सभ्यता जातियों का एक खेल है, रेला है। तो न्यायालय का कहना था कि चाहे वो जाति कितनी भी निम्न हो, उस जातियों में भी कुछ संपन्न वर्ग हैं, इन संपन्न वर्ग को ये आरक्षण आदि की सुविधा न दी जाए। संपन्न वर्ग से उसका तात्पर्य था क्रीमी लेयर, उसने ये नाम दिया क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ पिछड़ी जातियों में नहीं मिलेगा, ये पहला बिंदु। दूसरा, आरक्षण जो है वो केवल नौकरी में होगा, पदोन्नति में नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। आरक्षण केवल नौकरियां पाने के लिए, आगे पदोन्नति में नहीं होगा, जैसा कि समिति ने प्रस्ताव किया था। वास्तव में पिछड़ा वर्ग की राजनीति में उभार के साथ देश में राजनीतिक समीकरण ही बदल जाता है। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे था वो हटा लिया जाता है, और अब ये इसे अमली जामा पहनाया जाता है, कानूनी रूप दिया जाता है, आरक्षण शुरू होता है बैकवर्ड का, पिछड़ा वर्ग के लोगों का। और इसके साथ क्या परिणाम होते हैं? पहला तो देश की राजनीति में पिछड़ा वर्ग का बहुत बड़ा प्रभाव बढ़ता है, उनकी वर्चस्वता बढ़ती है।
राजनीतिक मामले में, और इससे राजनीतिक समीकरण ही बदल जाता है। दूसरा प्रभाव, नौकरी में आरक्षण के सवाल पर रिजर्वेशन के मुद्दे पर ये वर्ग अपनी अलग पहचान को लेकर सचेत होता है, सजग होता है, अपनी पहचान बनाने का पूरी तरह प्रयास करता है। कहाँ? नौकरियों में। यानी 27% आरक्षण का जो प्रावधान किया गया था, अब ये पिछड़ा वर्ग एक योजनाबद्ध तरीके से इस लाभ का पूरा, इस प्रावधान का पूरा लाभ उठाने का प्रयास करता है, जो स्वाभाविक है, क्योंकि प्रावधान इसीलिए किया गया था और उन्हीं के लिए किया गया था। तो दूसरा इसका परिणाम क्या होता है? सजगता आना, पिछड़ा वर्ग में एक सजगता। और तीसरा, विभिन्न पार्टियों के द्वारा अब पिछड़ा वर्ग को लामबंध करने का प्रयास, ये बहुत महत्वपूर्ण था। विभिन्न दलों द्वारा पिछड़ा वर्ग की अहमियत को महसूस करना और उन्हें अपने खेमे में, अपने पाले में लेने की कोशिश करना, उन्हें लुभाने की कोशिश करना, ये सब का परिणाम क्या होता है कि भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुल मिलाकर मंडल आयोग की पृष्ठभूमि क्या थी, किस परिस्थितियों में और कैसे मंडल आयोग की सिफारिशें आईं और फिर वो लागू हुईं। इतना तय है कि मंडल आयोग की इन सिफारिशों के बाद पिछड़ा वर्ग जो है वह अपनी अहमियत महसूस कर रहा, और जो भारतीय संविधान में जो समानता का जो प्रावधान किया गया है, क्योंकि असमानता बहुत गहरे पैट थी भारत में, तो उसको समानता, पूरे समाज को एक समान स्तर में लाने में निश्चित रूप से इन प्रावधानों ने बखूबी एक सफलतापूर्वक कार्य किया है, अपनी भूमिका निभाई है। दलितों, कमजोर वर्गों की आंदोलन से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी के बाद अब हम एक ऐसे आंदोलन की ओर बढ़ते हैं, एक ऐसे आंदोलन को समझने की कोशिश करते हैं जिसे कहते हैं उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन। उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन क्या मायने हैं उपभोक्ता? उपभोक्ता को अंग्रेजी में कहते हैं कंज्यूमर, कंज्यूमर। उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो वस्तुओं का उपभोग करता है, वस्तुओं का उपयोग करता है। हम बाजार में जब कुछ चीजें खरीदते हैं तो हम उपभोक्ता के रूप में खरीदते हैं, हम उस प्रोडक्ट के उपभोक्ता हैं क्योंकि उसका हम उपभोग करते हैं। तो जो ग्राहक हैं, ग्राहक के रूप में जब हम खरीदते हैं तो ये दुकानदार की जिम्मेदारी है कि वह ग्राहक को हर दृष्टि से संतुष्ट कर सके। जिस चीज़ को ग्राहक खरीदना चाह रहा है उस चीज़ की कीमत, क्वालिटी, वजन, क्वांटिटी, ये सब मायने में किसी तरह का धोखा ग्राहक से ना हो, ग्राहक को ना कर दिया जाए, ग्राहक के साथ ना कर दिया जाए, इस उद्देश्य से यह आंदोलन होता है। उपभोक्ता उस व्यक्ति को जो वस्तुओं का उपभोग करता है, दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता है, ये तो हम मान गए, क्योंकि हर व्यक्ति जीवन पर्यंत मरते दम तक अनेक तरह की वस्तुओं का उपयोग करता है, चाहे वो टूथब्रश हो, चाहे जूते हो, चाहे कपड़े हो, किसी भी तरह के सामान के उपयोग की जरूरत उसे अंतिम समय तक पड़ती रहती, तो हर आदमी उपभोक्ता है। बाजार का नियंत्रण उपभोक्ता के हाथ में होता है, इस अर्थ में कि उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनकी उपभोक्ताओं को जरूरत है।
इसीलिए ये वाक्य कहा गया, बाजार का नियंत्रण उपभोक्ता के हाथों में होता है। दूसरे शब्दों में ये उपभोक्ता की आवश्यकताएं तय करती हैं कि किन वस्तुओं का उत्पादन हो और कितना हो। परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं है, व्यवहार में स्थिति कुछ बदली हुई है, व्यवहार में कुछ भिन्नता है। यदि वास्तव में मैदान में हम देखें तो दुर्भाग्य से उपभोक्ता के हाथ में ये नहीं है, ये केवल एक थ्योरी के रूप में हम जानते हैं। और उसका कारण क्या है कि उपभोक्ता जो है वो संगठित नहीं है, उपभोक्ता जो है वो एकजुट नहीं है। यदि एक उपभोक्ता के साथ दुकानदार धोखा कर दे तो उसके पास कोई चारा नहीं सिवाय उस धोखे को निगल जाने के, गटक जाने के, धोखे को भुला देने के। दुकानदार पैसा लेके चल बनता है, उसकी कोई नैतिक जिम्मेदारी अभी तक नहीं थी जिसके आधार पर सुनिश्चित किया जा सके कि दुकानदार यदि गलत कर रहा है तो उस पर कुछ कार्रवाई हो। कुल मिलाकर कहने का उद्देश्य यह है कि चूंकि उपभोक्ता संगठित नहीं है, चूंकि उपभोक्ताओं का कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म या फोरम नहीं है जहां वे अपने साथ हुए धोखे की शिकायत कर सकें, उसका हल निकाल सकें, समस्या का निराकरण कर सकें, उसके विपरीत जो दुकानदार है, जो उत्पादक है, वो संगठित है। जबकि संगठित होने की ज़रूरत उपभोक्ताओं को है, और यदि ये संगठित रहेंगे तो उत्पादक अपने आप सही उत्पादन करेंगे। लेकिन यहाँ उल्टा हम देखते हैं, समाज में आप पाएंगे कि जो कंपनियाँ हैं, जो दुकानदार हैं, उनके अपने अपने संगठन बने हुए हैं, चाहे वो किसी भी रूप के संगठन हो, किसी भी तरह के उत्पादनों के संगठन हो। चूँकि उपभोक्ता असंगठित है, इसलिए उत्पादक वर्गों द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की उपेक्षा होती रही है, और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए कुछ किया जाए। तो अब आप समझ गए होंगे कि उपभोक्ता संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी। उपभोक्ता अलग अलग तरीके से उसके द्वारा उस पर जो धोखा हुआ है उसको वे व्यक्त करते थे, अपने परिवार में, अपने दायरे में, अपने आसपास, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया भी करते थे। लेकिन वह प्रतिक्रिया इस स्तर पे नहीं होती थी जो कि उत्पादक को बाध्य कर सके अपने को ठीक करने के लिए। मात्र प्रतिक्रिया पर्याप्त नहीं है, संगठित प्रतिक्रिया की जरूरत थी, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से उपभोक्ता के नाते जनता को आवाज़ उठाने की ज़रूरत थी। और इसीलिए उपभोक्ता संरक्षण का मामला एक आंदोलन का रूप लेता है, उपभोक्ता संरक्षण का मामला एक आंदोलन का रूप लेता है। दूसरे शब्दों में उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन का भी एक लंबा इतिहास है। यदि हम इसके इतिहास पर नज़र डालें तो हम पाएंगे कि उपभोक्ताओं के अधिकार की चैतन्यता, उपभोक्ताओं के द्वारा एक सक्षम प्लेटफॉर्म बनाने की आवश्यकता द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास पैदा हुई। 1940-45 के आसपास के काल में महसूस किया गया कि उपभोक्ताओं के भी कुछ अधिकार होने चाहिए, उपभोक्ताओं के लिए भी कुछ संगठन होना चाहिए, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कुछ होना चाहिए। सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति केनेडी, जॉन एफ केनेडी, उन्होंने पहली बार उपभोक्ताओं के लिए अधिकारों की बात की,
और ये बात भी उन्होंने तब की जब इसके पहले बहुत समय से अमेरिका में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को लेकर आवाज उठ रही थी। तो जॉन एफ कैनेडी ने जिन चार अधिकारों की बात की, जॉन एफ कैनेडी ने जिन चार अधिकारों को उपभोक्ताओं के अधिकार के रूप में माना, वे हैं: पहला, सुरक्षा का अधिकार; दूसरा, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार; तीसरा, चयन का अधिकार; और चौथा, सुनवाई का अधिकार। एक उपभोक्ता, कंज्यूमर, उसे इस बात की सुरक्षा मिलनी चाहिए कि उसके साथ धोखा नहीं हो रहा है। दूसरा, उपभोक्ता को उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी जानने का अधिकार है, सभी तरह की जानकारी कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या मिला है, कितना मिला है, कितना वह प्रामाणिक है, कहाँ इसका उत्पादन हुआ है, किस तारीख को उत्पादन हुआ है, कब तक इसका इसकी लाइफ है, एक्सपायरी डेट क्या होगी, आदि आदि, तो जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। और तीसरा है चयन का अधिकार, अर्थात उपभोक्ता को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह यदि एक टूथपेस्ट खरीदना चाहता है तो किस कंपनी का खरीदे। दूसरे शब्दों में, उसके पास ये चॉइस रहे कि कई तरह के टूथपेस्ट मार्केट में आए, ऐसा ना हो कि किसी एक या दो कंपनियों का ही टूथपेस्ट के मार्केट में एक छत्र साम्राज्य हो। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता के साथ अन्याय होगा, क्योंकि ये दो कंपनियां, क्योंकि इनके पास एकाधिकार रहेगा, मुंह बोले दाम पर अपने पेस्ट को बेचेंगी, और उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को लेकर भी संशय हो सकता है। तो इसलिए उपभोक्ता को चयन का अधिकार होना चाहिए, उसके पास वैरायटी मार्केट में होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की, और चौथा, सुनवाई का अधिकार, बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है सुनवाई का अधिकार। उसके साथ हुए किसी तरह के, उपभोक्ता के नाते किसी तरह के अन्याय के खिलाफ उसकी वह सुनवाई कर सके, धोखा देने वाले को, गलत उत्पाद देने वाले को सजा दी जा सके। ये जो चार अधिकार हैं, इन चार अधिकार के अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ ने तीन अधिकार और जोड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस आंदोलन की महत्ता को समझता है, संयुक्त राष्ट्र संघ भी उपभोक्ताओं के अधिकारों की महत्ता को समझता है, और उसने भी तीन और अधिकारों की बात की है और उसको मान्यता दी है। वे अधिकार हैं: क्षतिपूर्ति का अधिकार, नुकसान होने पर, गलत व्यवहार होने पर उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए, किसके द्वारा, उत्पादक के द्वारा। सातवां अधिकार, दूसरा अधिकार, उपभोक्ता की शिक्षा का अधिकार, यानी जो हम लोग, जो जनता जनार्दन हैं, इन सब को प्रोडक्ट के बारे में और उपभोक्ता के रूप में उसके लिए उसे क्या क्या जानना चाहिए, इसमें उसे शिक्षित होने का अधिकार है। और तीसरा अधिकार, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कहा गया, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। इस प्रकार उपभोक्ताओं के मामले में सात अधिकारों की चर्चा कुल की गई है, और ये जॉन एफ कैनेडी और संयुक्त राष्ट्र संघ, इनके द्वारा ये मान्यता प्रदान अधिकार हैं।